गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, ईवीएस में हम हमारा फर्स्ट लेसन कर रहे थे सुपर सेंसेस, इसका पेज नंबर 12 आज हम करेंगे। पिक्चर दे रखी है, ए टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जो टाइगर है हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाता है। द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव and can sense the movement or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. यानी कि टाइगर है, उसकी जो मूछें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती है और वो किसी भी मूवमेंट को अच्छे से पहचान लेती है, यहाँ तक कि वे हवा की जो कंपन होती है वो, और अगर कोई जानवर आ रहा है तो उसकी कंपन को भी वो पहचान लेता है, उन दोनों में अंतर कर सकता है और इस प्रकार वो अपना भोजन है वो प्राप्त करता है। ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास। जो टाइगर की सुनने की ताकत है वो इतनी तेज होती है, शार्प होता है तेज, कि वो एक तो पत्तों की जो शरशर की आवाज़ होती है वो, और एनिमल जो घास के ऊपर चलते हैं जो जानवर, उसकी आवाज़ में भी अंतर समझ पाता है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो टाइगर के कान होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल राउंड, और इससे उसको सभी दिशाओं से जो आवाज़ है वो कैच करने में सहायता मिलती है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। जो टाइगर है वो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग आवाज़ बनाते हैं। लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री कॉल टू कॉल आउट टू ए टाइगर्स, उदाहरण के लिए मतलब जब वो गुस्सा होता है तब उसकी अलग साउंड होती है, किसी को उसको बुलाना होता है तो उसकी अलग साउंड होती है। इट कैन आल्सो रोर और स्नार्ल, तो अब ये क्या करता है, दहाड़ता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 kilometers अवे, और जो टाइगर है उसके दहाड़ने की आवाज़ क्या है, हम 3 kilometers तक सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। ए टाइगर वेल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर एरिया। यानी कि जो टाइगर्स होते हैं उनका एरिया फिक्स होता है, कुछ किलोमीटर में उनका दायरा होता है, वो उसी में रहते हैं, किसी दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाते, और वो इसको किससे पहचानते हैं, अपनी यूरिन की स्मेल से। जैसे एक टाइगर है वो अगर किसी दूसरे टाइगर के एरिया में चला जाता है तो उसकी यूरिन की स्मेल से पहचान जाता है कि ये मेरा एरिया नहीं है, या फिर कोई और टाइगर उसके एरिया में आ जाता है तो वो भी ये पहचान जाते हैं। जो टाइगर होते हैं वो दूसरे किसी के एरिया में जाने को टोटली इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे हम, द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। यानी कि टाइगर है वो एक चुस्त एनिमल है, एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, लेकिन फिर भी आज टाइगर है वो खतरे में हैं। आगे, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल। जंगल में कौन कौन से खतरे हैं जो किसी टाइगर को हो सकते हैं। कैन ह्यूमन बींग आल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ, क्या मनुष्य भी एनिमल्स के लिए खतरा हैं, हाउ, कैसे, ये क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। आगे, डू यू नो दैट टूडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर शोल्ड, क्या आप जानते हैं कि आज बहुत से एनिमल हैं वो मारे जाते हैं और उनके पार्ट है वो बेचे जाते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन्स। यानी कि एलिफेंट है वो एलिफेंट, राइनोसोरस और टाइगर्स क्रोकोडाइल और स्नेक है, इनको इसकी स्किन के लिए, इसके सिंगों के लिए और इसकी फर के लिए कभी इन जानवरों को मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक ए लिटल सैंड फ्रॉम इट्स मस्क। यानी कि जो डियर है वो इसके मस्क के लिए, यानी कि क्या बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए इसको मारा जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर, और जो एनिमल्स को मारते हैं, जो लोग इनका शिकार करते हैं, उनको बोलते हैं हंटर्स या फिर पोचर। अब यह है फाइंड आउट, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क इंडिया में नेशनल पार्क
कहाँ पे हैं, यानी कि टाइगर्स को बचाने के लिए कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, तो वो कहाँ हैं हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट ए रिपोर्ट। जो नेशनल पार्क है उनके बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैन करनी है। आगे व्हाट वी हैव लर्नड, हमने इसमें क्या सीखा। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। क्या आपने कभी देखा है कि सिंगर जब सॉन्ग गाते हैं तो वे अपने हाथों को अपने कानों के पीछे रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो अपने कानों पे हाथों को रखते हैं तो अपनी साउंड को वापस से सुन पाते हैं। सेकंड है, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनिमल दैट मे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट हियरिंग और स्मेल। आपको उन एनिमल्स के एग्जाम्पल बताने हैं जिनकी सेंस देखने की, सुनने की और स्मेल करने की सेंस है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।